कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग 1। आज हम क्षितिज भाग 1 में अपना पाठ पढ़ेंगे चपला देवी का। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया। लेखिका है चपला देवी। ठीक है, ये उस समय की घटना का वर्णन है जिस समय में भारत में स्वतंत्रता संग्राम का युग था और उस समय में जब लोग अपने देश के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार रहते थे। अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध छिड़ा हुआ था और जिसमें उन्होंने समझ लिया था देशवासियों ने कि अंग्रेज यहाँ सिर्फ व्यापार करने नहीं आए हैं बल्कि हमें अपनी अपना गुलाम बनाने के लिए आए हैं, हमारी स्वाधीनता को छीनने के लिए आए हैं। जिस समय की घटना का जिक्र इसमें किया गया है वह 1857 की है। हम लोग जानते हैं कि पहली क्रांति 1857 में ही स्वाधीनता संग्राम की मानी जाती है। उस समय में नाना फडणवीस और रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, सबका नाम हमने सुना ही है। इन लोगों ने भी उस समय में अपना बलिदान दिया था अपने देश की रक्षा के लिए और इसके साथ तात्या टोपे इत्यादि अन्य लोगों का भी नाम इसके साथ जुड़ा हुआ था। चपला देवी द्विवेदी युग की लेखिका है। देवी चपला देवी के व्यक्तित्व और कृतित्व के विषय में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी थी। उस समय जब पुरुष लेखक तो आज़ादी के आंदोलन को गति दे ही रहे थे लेकिन इसके साथ साथ ही बहुत सारी महिला लेखिका भी ऐसी थी जिन्होंने अपने लेखन के माध्यम से अपनी आज़ादी की लड़ाई को एक गति दी, लोगों के अंदर एक उत्साह को जगाने का प्रयास किया। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं और ऐसे ही है कि कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे रचनाकार अपने इतिहास में अपने को दर्ज नहीं करा पाते हैं या वे छूट जाते हैं और उनके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती। चपला देवी भी उनमें से एक है जिन्हें इतिहास में दर्ज नहीं किया गया लेकिन आज़ादी के आंदोलन में उनके ने भी अपने लेखन के माध्यम से एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। यह ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 के क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब की पुत्री देवी मैना आज़ादी की नन्ही सिपाही थी और ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है, एक इतिहास में दर्ज है ये सच्चाई कि 1857 के क्रांति के जो विद्रोही नेता थे धुंधुपत नाना फडणवीस, उनकी पुत्री मैना आज़ादी की एक नन्ही सी सिपाही की तरह उभर करके आई थी जिसे अंग्रेजों ने जला करके मार डाला था और उस नन्ही सी सिपाही को, उस नन्ही सी बालिका को अंग्रेजों ने जला करके मार दिया था। बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य की रचना में प्रस्तुत किया है और मैना देवी के उसी बलिदान को चपला देवी ने गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई उसे हम रिपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं और जिस शैली में यह रचना लिखी गई, यह गद्य रचना लिखी गई उसे हम रिपोर्ताज का एक प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। रिपोर्ताज मतलब होता है कि जैसे कि एक रिपोर्ट की तरह किसी को लिखना, एक जानकारी देने के लिए किसी को किसी कहानी को लिखना। ठीक है, मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए उनका जीवन उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। अपनी आज़ादी की लड़ाई को लड़ते हुए जिन लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, जिन लोगों ने अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, उनके उस बलिदान का, उनके उस उत्सर्ग जीवन का हमारे लिए एक गौरव और सम्मान की बात है। उसकी उनका हमें सम्मान भी करना चाहिए। उस समय गौरवशाली किंतु स्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है और उस समय के गौरवशाली किंतु विस्मृत जो अब भुला दी गई है, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसी परंपरा से किशोर पीढ़ियों को यानी आप जैसे बच्चों की पीढ़ियों को परिचित कराने के लिए कि उस समय में भी हमारे देश में कितने बलिदानी हुए और वे छोटे छोटे बच्चे भी, उनके बलिदान को हम भुला नहीं सकते, तो इसे हिंदू पंच के बलिदान अंक से इस कहानी को लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं
इसीलिए इस रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। और उस समय में जब लेखन शुरू हुआ था, गद्य लेखन की परंपरा शुरू हुई थी, तो उस समय के बारे में उसके प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए कि उस समय का गद्य लेखन किस तरह से लिखा जाता था। इसीलिए इसके मुद्रण यानी जो इसको छापा गया है उसमें और इसकी वर्तनी यानी उस समय में जो भाषा के लिए वर्तनी प्रयुक्त होती थी उसमें किसी तरह के भी परिवर्तन नहीं करके बिल्कुल उसको वैसा के वैसा ही प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया गया, ये आपके इस पाठ का शीर्षक है, जिसमें नाना साहब की पुत्री देवी मैना के जीवन के उत्कर्ष बलिदान के बारे में लिखा गया है। सन 1857 ईस्वी के विद्रोही नेता धुंधुपत नाना साहब कानपुर में असफल होने के बाद जब भागने लगे तो वे जल्दी में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा पाए। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके विषय में भी हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति सफल हो जाती यदि उसके विषय में पहले से अंग्रेजों को कोई गुप्त सूचना नहीं प्राप्त हो जाती। उस समय में जो अंग्रेज सेना में सिपाही थे उन्होंने भी विद्रोह करने की एक योजना बनाई थी और उनके साथ अन्य राजे रजवाड़े इन सब लोगों ने मिलकर के एक साथ विद्रोह करने की योजना बनाई थी। और उनकी जो योजना थी कि जिसके तहत वे एक साथ अंग्रेजों पर चारों तरफ से आक्रमण करेंगे और अपने देश से अंग्रेजों को हटा देंगे। यदि 1857 की वह क्रांति सफल हो जाती तो उसी समय में हम अंग्रेजों को अपने देश से निकालने में समर्थ हो पाते। लेकिन अपने ही देश में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो थोड़े से लोभ के कारण, कुछ पैसों के कारण अपने ही देश की अस्मिता या अपने देश की जो स्वाधीनता है उसका भी सौदा करने से पीछे नहीं हटते। तो उस समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इसकी जानकारी अंग्रेजों तक पहुंचा दी और उन्हें ये पता चल गया कि ये लोग कोई बड़ी एक बड़ा क्या कहते हैं कोई एक बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं, एक विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं और अंग्रेजों ने उसे कुचलने के लिए अपने पूरी योजना तैयार की थी। मंगल पांडे अंग्रेज के सिपाही थे अंग्रेज सेना में और उन लोगों ने मिल करके जो योजना बनाई थी जब उसके बारे में अंग्रेजों को पता चला तो उन्होंने एक ऐसी चाल चली, उन्होंने जो हिंदू सिपाही थे तो उस समय जो गोला हुआ करता था जिसके बारे में कहा जाता है जो उसकी पतली होती थी यानी उसको मुंह से खींच करके और तब फेंका जाता था तब वो फटता था, तो इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि जो हिंदू सैनिक थे उसमें गाय की चमड़ी मिला दी और जो मुस्लिम सैनिक थे उसमें सूअर की चमड़ी को मिला दिया ताकि उन लोगों को इसके बारे में पता चले और वो लोगों का विद्रोह उसी समय में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करे और उन्हें आसानी से कुचला जा सके और अंग्रेजों की वह योजना जो उनका प्लान था वो सक्सेस भी हुआ, सफल भी हुआ और उन्होंने वैसा ही किया। जब उन लोगों को पता चला कि इस तरह से अंग्रेजों ने इसमें चर्बी का प्रयोग किया है तो उन्होंने अंग्रेज सरकार सेना का विरोध किया और उसी विद्रोह में क्या का दमन अंग्रेज सरकार ने आसानी से कर दिया जिसमें मंगल पांडे और उनके साथी थे वे पकड़े गए और उन्हें चौराहे पर ले जाकर फांसी पर लटका दिया गया। तो ये क्रांति की असफलता की पहली सीढ़ी तो वहीं पर हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने अलग अलग करके जैसे झांसी था, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे थे और अन्य लोग थे, उन सारे लोगों को अलग अलग करने की कोशिश की और अपने फूट डालो और राज करो की नीति का कि जो उन्होंने योजना बनाई थी उसमें वो काफ़ी सफल भी हुए। तो 1857 में जब कानपुर में नाना साहब असफल हो गए और अंग्रेज सेना को खदेड़ने में वे समर्थ नहीं हो पाए तब वो वहाँ से भागने लगे और उस जल्दीबाजी में वो अपनी बेटी मैना को भूल गए, वहीं छोड़ करके चले गए, उसे अपने साथ वो नहीं ले जा पाए। ठीक है। देवी मैना बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह और निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया और वे बिठूर में अपने पिता के महल में रहती थी लेकिन जब उन्होंने विद्रोह का दमन किया अंग्रेजों ने तो उसके बाद उन्होंने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह मानी जो लाचार थी, ऐसी निरअपराध जिसने कोई अपराध नहीं किया था, निर्दोष थी, ऐसी देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देगा और इसका जो रोमांचकारी वर्णन इसमें चपला देवी ने किया है वह पाषाण हृदय वाले को भी एक बार द्रवीभूत कर देना यानी पिघला देगा। कानपुर में भीषण हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया और बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया। ठीक है। जब कानपुर में बहुत बड़ा हत्याकांड किया अंग्रेजों ने और इसके बाद जब उनका वह दल बिठूर में नाना साहब के महल के पास गया तो अंग्रेज सैनिकों ने उनके महल को लूट लिया
और उन उसमें बहुत थोड़ी सी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी, लेकिन नाना साहब की बहुत सारी संपत्ति नहीं थी, बहुत थोड़ी सी ही संपत्ति थी जो उनके हाथ लगी, जिसे वो वहाँ से ले पाए।